सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। स्वागत है इसी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक अल्ट्रा जाइंट शुगर केन फार्म, जो कि ऑटोमेटिक होगा बिल्कुल, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बहुत ही बढ़िया सा शुगर केन फार्म बनाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक किए बने जाइएगा मत आप लोग कहीं, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर, हम लोग सारा सामान आप सभी को याद ही होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था, और पिस्टन गाइज मैं भूल गया था दिखाना पिछली वीडियो में, तो बता देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में पिस्टन भी बनाया था। तो गाइज अभी हम लोग को काफ़ी सारे वो लगेंगे, वो क्लॉक्स लगेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ काफ़ी सारे चेस्ट भी बनाने हैं, और चेस्ट गाइज इसलिए बनानी है क्योंकि हम लोग को चेस्ट के हॉपर बनाना पड़ेगा। हॉपर में क्योंकि चेस्ट लगता है गाइज, तो आप सभी को पता ही है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले हम लोग सो लेते हैं एक बार और दिन हो जाने देते हैं, तो चलते हैं हम लोग फॉरेस्ट में और लकड़ियाँ खूब सारी काट के लाते हैं। तो गाइज हम लोग के घर के बगल में फॉरेस्ट है, तो ज़्यादा दूर हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा और काफ़ी सारी लकड़ियाँ हम लोग को ज़रूरत पड़ेंगी। तो चलिए हम लोग जल्दी से फॉरेस्ट में चलते हैं और लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने कुछ ओक प्लैंक बना लिए हैं और आप सभी को दिखा देता हूँ कुछ कितने हैं हम लोग के पास। 61 स्टैक और 27 है ओक प्लैंक, तो इससे हम लोग को 11 चेस्ट बन रहे हैं। तो इसको हम लोग जल्दी से बना लेते हैं, और भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तो चलना पड़ेगा फॉरेस्ट में हम लोग को। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। तो गाइज अभी हम लोग को यहाँ पर एक डॉग दिखा था, तो इसको हम लोगों ने टेम कर लिया, और आप लोग कमेंट में नेम इसका बताइएगा, तो वही हम लोग नेम इसका रखेंगे, क्योंकि मुझे अभी नेम इसका समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और चलिए अपना काम करते हैं हम लोग। तो गाइज अभी हम लोगों ने 24 चेस्ट बना लिया, और चलते हैं अपने आयरन फार्म पर, क्योंकि गाइज आयरन आयरन के बिना हम लोग का हॉपर बनेगा नहीं। हॉपर बहुत ज़रूरी है हम लोग का। और गाइज मैं आप सभी को बताना भूल गया कि हम लोग अपना ये जो फार्म है, यहीं जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जगह प्लान करी थी, उसी पर बनाने वाले हैं, क्योंकि गाइज ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो बड़ी जगह पर बनेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं अपने आयरन फार्म पर, और आयरन फार्म जब से बनाया है गाइज हम लोग का काम बहुत इजीली हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ हो जाता है हम लोग का, जो कि बहुत ही बढ़िया आयरन फार्म वर्क करता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक है, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और गाइज इस वीडियो पर हम लोग 50 लाइक्स का गोल रखते हैं कि देखते हैं आप लोग करवा पाते हैं कि नहीं, तो जल्दी से करवा दीजिए आप लोग, तो बहुत ही बढ़िया वीडियो आएंगी गाइज। गाइज अभी यहाँ पर हम लोग का 64 स्टैक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 64 स्टैक कह रहा हूँ, एक स्टैक है जिसमें 64 और 4 आयरन और है, तो आयरन गोलम भी आ रहे होंगे। चलिए बनाते हैं पहला अपना कुछ, इसकी रेसिपी मुझे याद है भी, 4 चेस्ट 4 या 3 चेस्ट हम लोग बचा लेते हैं, क्योंकि गाइज कलेक्टिंग सिस्टम में भी हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो पहले भी इस ये कितना ज़्यादा ज़्यादा चला जा रहा है, हम लोग को 4 चाहिए बस गाइज, 4 में हो जाएगा। 3 तो लेते हैं, 3 सही रहेगा, क्योंकि गाइज 3 एक ऊपर एक रहेगा, छोड़िए गाइज 3 4 रख देते हैं अभी, और इतने में बन जाना चाहिए। कितना बनेगा अभी, 10 ही बनाएगा इतने में, अभी हम लोग को और आयरन बनेगा। तो गाइज आप लोग 2 मिनट दीजिए, हम लोग का बना कर मिलते हैं आप सभी से हॉपर। तो गाइज अभी हम लोग अपना सारा सामान लेकर आ चुके हैं अपनी जगह पर, जहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं अपना शुगर केन फार्म। और गाइज वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज हम लोग का जो हेडफोन का माइक था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो गाइज तो उसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। और अभी हम लोगों ने कॉबल डीप स्लेट का स्मूद करके बना लिया, इसको जो भी कहते हो, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि गाइज बगल बगल लगता है, तो इसको भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर एक कलेक्टिंग सिस्टम हम लोग पहले बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 चेस्ट रख के इसके ऊपर हम लोग को एक हॉपर कनेक्ट करना पड़ेगा। रुकिए गाइज थोड़ा सा, आप लोग 2 मिनट दीजिए, एक बढ़िया सा हॉपर कलेक्टिंग सिस्टम हम लोग बनाते हैं पहले से। एक ऐसे चेस्ट रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग को चेस्ट रखना पड़ेगा पहले, कुछ इस तरीके से, तो ज़्यादा सही रहेगा। आप देखते हैं इसमें से जा रहा है कि नहीं, एक पहले यहाँ पर भी रख देते हैं, वहाँ लग गया गलती से, सॉरी उसके लिए, हो गया गाइस। इसके ऊपर से अभी सब कनेक्ट हो चुका है, इसमें से डाल के देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं गाइस, अभी देखते हैं आ रहा है कि नहीं नीचे, तो गाइस आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो कलेक्टिंग सिस्टम हम लोग का बन चुका है, और इस हॉपर को यहाँ से पहले हटाते हैं, ख़राब कर रहा है पूरा माहौल यहाँ पर। चलिए गाइस इसको अभी हम लोग को पूरा लेकर जाना पड़ेगा उधर तक, जितना हम लोग को एक रो में बनाना है, एक रो में जितना हम लोग को लेकर जाना है, जितना शुगर केन मतलब लगाना है एक रो में, तो उतना लेकर चलते हैं हम लोग। 8 सोच रहे लगाने को, तो 8 लगाएंगे, तो हम लोग को पूरा 8
8 रोज क्या बनाना है, तो 8 तक लेकर चलते हैं इसको। और जितना ज़्यादा रहेगा गाइस उतना ज़्यादा हम लोग को शुगर कैन मिलेगा। और इसको हाइट में भी लेकर जाना है, तो करीब 4 लेयर की हम लोग को बनाना है इसको। तो 8 इधर से हम लोग को मिल जाएगा और 4 लेयर में 8 ब्लॉक्स के रहेंगे, तो ज़्यादा हम लोग को मिलेगा। और इसी तरह हम लोग को 4 ठो बनाना है। तो देखिएगा आप लोग, पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो बाद में आप लोग को लेकिन समझ में आ जाएगा मैं कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको हाइट पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज आप सभी को पता ही होगा कि इसको, ये जहाँ पर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अगर कोई भी क्रीपर फटेगा तो सारा हम लोग का ख़राब हो जाएगा, नीचे सब चीज़ चला जाएगा गाइज। क्योंकि नीचे एक ही लेयर का हम लोग का है और नीचे रवीन है बड़ी सी, तो आप लोग अगर देखे होंगे वीडियो तो पता ही होगा आप सभी को। और कुछ इस टाइप का भी लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हम लोग ब्लॉक लगाते हैं पूरा ऊपर तक। तो गाइस अभी हम लोग को ग्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो चलते हैं पहले घर पर ग्लास लेकर आते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर भी हम लोग को लगाना है। तो ब्लॉक तो बिना ग्लास के चेस्ट नहीं खुलेगा हम लोग को, या तो स्लैब लगाना पड़ेगा या तो ग्लास लगाएंगे। ग्लास लगाएंगे तभी भी चेस्ट हम लोग की खुलेगी, और स्लैब लगाएंगे तभी भी चेस्ट खुलेगी। तो इससे बढ़िया ग्लास लगाते हैं, थोड़ा लुक भी आएगा अच्छा सा, ग्लास ज़्यादा सही रहेगा। ग्लास मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो ग्लास की हम लोग को कमी नहीं पड़ने वाली है, और कमी पड़ेगी भी तो गाइस और भी हम लोग ग्लास हम लोगों ने बना कर रखा है जो कि बहुत ज़्यादा हैं। चलिए पहले चलते हैं ग्लास व्लास लेकर, और पूरा भी हम लोग को अच्छे से कनेक्ट करना है इसमें। अब बढ़िया सा एक फ्रेम पहले तो तैयार करेंगे, ताकि अच्छा से एक वो आइडिया हो जाए कि हम लोग को कैसा बनाना है। और यहाँ पर हम लोग को ग्लास लगाना पड़ेगा ताकि ये नीचे वाली चेस्ट खुले कुछ इस तरीके से। अभी आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो बाद में ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आप सभी को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा गाइज। अगर आप पूरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा गाइज। तो चलिए इसको भी ऊपर तक कनेक्ट कर देते हैं, लगा देते हैं ब्लॉक। उससे पहले गाइज थोड़ा सा ना इसको हटाना है, थोड़ा सा हटाते हैं पहले, बार बार गलती होती है तो गुस्सा लगती है। अभी कुछ इस तरीके से हम लोग को लग रहा है, इसको हटाते हैं। एक चेस्ट गाइस थोड़ा सा गलती हुई है, तो आप सभी को दिखाता हूँ क्या करना है। ये वाली चेस्ट जो है इसको इधर हम लोग को करना था, ताकि ये बाहर ना रहे। ये वाली चेस्ट इधर से इधर करना है बस हम लोग को, एक चेस्ट। हाँ गाइस यही वाली चेस्ट हम लोग को इस साइड लगानी थी, जो कि अभी सही हो गई है। और गाइस एक बार देख लेते हैं सही से हुआ कि नहीं, शॉर्ट आ रही है कि नहीं, इसमें आ गई गाइस। चलिए तो यानी कि हम लोग का ये पूरा परफेक्ट वर्क कर रहा है अच्छे से। तो गाइज अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे भी, क्योंकि गाइज मैंने इसको बनाया है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। मुझे थोड़ा इसको ऊंचाई पे रखना है, तो इसीलिए से थोड़ा दिक्कत हो रही है। नहीं तो गाइज हम लोग जब भी बनाते हैं तो इसको नीचे ही बना देते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको अभी मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है ये। ये वाला भी तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, बार बार तोड़ना लगाना पड़ रहा है, यही गुस्सा लग रही है मुझे पहले तो हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग पहले ऊपर चलते हैं, और इधर से हम लोग को पूरा इस साइड से जहाँ तक हॉपर है वहाँ तक हम लोग को ब्लॉक लगाना है, तो उसको भी हम लोग जल्दी से लगा देते हैं। अभी हम लोगों ने दोनों तरफ ये लगा दिया है, जो कि बढ़िया लग रहा है ब्लॉक। और बीच में यहाँ पर हम लोग का हॉपर है, और इसके बाद अभी आप सभी को बताता हूँ क्या करना है हम लोग को। अब ये थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ये अच्छा लगेगा कि नहीं, तो बाद में पता चलेगा कि कैसा लगेगा, पूरा बन के तैयार हो जाएगा तब। पहले तो एक ऊपर जाने के लिए बढ़िया सिस्टम या टाइप का हम लोग बना लेते हैं, ताकि हम लोग ईजिली ऊपर जा सकें। कुछ इस तरह भी तो दिख रहा है ये, और इससे आप सभी को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आने लगा होगा कैसे हम लोग का बनाना है। अभी यहाँ पर हम लोग को डट भी लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर हम लोग को वाटर तो पहले प्लेस करना है, तो उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो रुकिए गाइस, ये वाला हटाना पड़ेगा पहले, तो गलती से ये लग गया, इधर पहले लगाते हैं। और रुक जाइएगा दो मिनट लीजिए, इसको एक बार लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग का वाटर भरेगा, तो एक वो भी होना चाहिए गाइज वाटर के लिए स्पेस, क्योंकि गाइज वाटर बहे ना, इसीलिए थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं।
इसमें इसके अंदर वाटर आ जाएगा गाइस, और ये इसको साथ से हम लोग को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि गाइस वाटर के यहाँ पर ही लगेगा हम लोग का शुगर केन, तो यहाँ पर शायद से डर्ट लगेगी। तो अभी देखा जाएगा क्या लगाया जाएगा, उससे पहले हम लोग सोने चलते हैं, नहीं तो गाइस रात को मॉब्स आएंगे और हम लोग को मार डालेंगे। गाइस आप सभी को पता ही है क्या होता है मॉब्स से, तो चलिए सोकर मिलते हैं आप सभी से दूसरे दिन। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि हम लोग को यहाँ पर डर्ट लगानी थी, तो हम लोगों ने गलत जगह कहा था, हम लोग को दूसरी साइड पर डर्ट लगानी थी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग डर्ट लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग को बीच में वाटर भरना है, तो उसको आप सभी से करके मिलते हैं वाटर लगा कर यहाँ पर। तो गाइस अभी हम लोग शुगर केन लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग को शुगर केन लगाना था कुछ इस तरीके से, तो पूरे में शुगर केन हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से, उससे पहले यहाँ पर पहले बगल बगल ब्लॉक लगाते हैं, वो भी क्यों लगाना है आप सभी को अभी बताता हूँ मैं। उससे पहले जल्दी से हम लोग ब्लॉक लगाना शुरू करते हैं और लगा के मिलते हैं आप सभी से 2 मिनट में। सो गाइस पूरे में लगाने से पहले मैं आप सभी को एक बार एक दिखा देता हूँ क्या चीज़ हम लोग को करना है कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पर एक ब्लॉक लगाने के बाद यहाँ पर एक ये रहेगा, उसके बाद यहाँ पर एक हम लोग को पिस्टन लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और गाइस एक लगा के दिखाता हूँ ऐसे को, पहले इन्वेंट्री खुल नहीं रही है क्यों, हाँ गाइस खुल गई इन्वेंट्री। और यहाँ पर ऑब्जर्वर और पिस्टन ले लेते हैं, पिस्टन कुछ इस तरीके से लगा कर, और एक इस पिस्टन के पीछे एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं, पहले पिस्टन के पीछे ब्लॉक लगाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लॉक रहेगा और इसके ऊपर फिर ऑब्जर्वर कुछ इस साइड का रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर एक रेडस्टोन लगाना पड़ेगा हम लोगों को। रुकिएगा ऊपर नहीं, ऊपर एक बार लगा कर देख लेते हैं कि अब तो ऊपर से हो जाए, इसके ऊपर डगा डाल के देखते हैं गाइस चल रहा है कि नहीं, नहीं वर्क कर रहा है गाइस। चलिए इसको हटाते हैं, अब नीचे लगाते हैं जी, क्या रेडस्टोन नीचे लग गया, एक बार इसको हटाते हैं। चलिए गाइस ये वर्क करने लगा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो गाइस इसी तरीके से हम लोग को पूरे में करना है, तो चलिए इसको भी हम लोग पूरे में कर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो जैसा इधर से किया है इसी तरह पूरे में करना है उस साइड तक जहाँ तक हॉपर लगा है, तो ये सब तो कर लेना है हम लोग को। तो जल्दी से हम लोग 2 मिनट में करके मिलते हैं इसको। तो गाइस अभी रात हो चुकी थी तो मॉब्स आ जाते, इसलिए मैं घर चला गया था सोने के लिए। उससे एक एक बार आप सभी को करके दिखा देता हूँ हम लोग को किस तरीके से करना है इसको कुछ इस तरीके से। पहले यहाँ पर पूरा जहाँ तक हॉपर है यहाँ तक लेकर आना है, ये वाले ब्लॉक तो पूरे हॉपर तक क्या है पूरे तक लेकर आना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप सभी को पता ही क्या करना रहता है, ये वाला भी पहले ही लेकर आते जाते हैं हम लोग। और गाइस जल्दी से पहले एक इसको करके दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, फिर आप सभी को पता ही क्या करना रहता है। यहाँ पर अभी हम लोग को हॉप ये लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसे गाइस नाम भूल जाता हूँ ऐसे समय पे मैं, पिस्टन कहते हैं गाइस इसको, पिस्टन लगाना पड़ेगा आगे चलकर। और पूरे में हम लोग को पिस्टन यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से, और ये पिस्टन का फेस इधर से होना चाहिए। चलिए गाइस यहाँ पर लगेगा पिस्टन, और इसके ऊपर अभी हम लोग को लगाना है ऑब्जर्वर गाइस। चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ से हम लोग को ऑब्जर्वर गाइस, वो ऑब्जर्वर का फेस उस साइड होना चाहिए, और ये जो पीछे है पीछे का है इस इधर का रहना चाहिए, जो एरो इस साइड की होनी चाहिए गाइस कुछ इस तरीके से लगाना है सारे ऑब्जर्वर को भी। और इसके बाद अभी गाइस हम लोग को रेड स्टोन लगाना पड़ेगा, तो रेड स्टोन चलिए जल्दी से लगाना शुरू करते हैं, और ये बीच में मिस हो गया था तो यहाँ पर लगा देते हैं, ये भी हो गया है। चलिए गाइस ये अभी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और बीच में यहाँ पर जहाँ पूरे में हम लोग को ये लगा देना, एक बार चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। जी हाँ गाइस ये वर्क कर रहा है पूरा, तो चलिए पूरे में हम लोग लगा देते हैं इसको गाइस, और क्या कहते हैं शुगर केन को। और आप सभी को मैं गाइस एक बार दिखा देता हूँ ऊपर वाला भी कैसे हम लोग को बनाना है, तो क्योंकि ऊपर वाला भी थोड़ा ट्रिकी रहेगा इसमें, ये क्या कहते हैं वाटर इधर का नहीं रहेगा, और ये अच्छे तरीके से बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो गाइस अभी आप सभी को मैं एक बार ऊपर वाला भी दिखा देता हूँ, पहले बाहर चल कर दिखाता हूँ कैसा ये लग रहा है, कुछ इस तरीके का भी लग रहा है ये हम लोग का फार्म, जो कि सही लग रहा है, जब तक ख़राब नहीं लग रहा है, और नीचे आ रहा है पूरा छेट, वो भी नीचे आया है
और इसमें और सामान मैंने ही रखे हैं। और पीछे से कुछ ऐसा ही लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। इसको भी हम लोग को अच्छे से करना है, तो इसको सही से करके मिलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग को सेकेंड लेयर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद इस साइड में भी एक ब्लॉक लगाना है, और इसके बाद यहाँ से पूरा डर्ट हम लोग को वहाँ पीछे तक लेकर जाना है जहाँ तक पूरा ये ऑब्जर्वर है, यहाँ तक गाइस। इसको पहले हटाना भी पड़ेगा अभी हम लोग को, फर्जी की चीज़ें लगती जा रही हैं यहाँ पर। अभी हम लोग को ये लगाना ही पड़ेगा, इसको इससे बढ़िया तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पूरा इसको लगा देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर गाइस हम लोग को फिर से इसको लगाना पड़ेगा ब्लॉक को। कोई भी आप लोग टेम्परेरी ब्लॉक लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको लगा रहा हूँ स्मूथ पॉलिश्ड डिस्प्लेट, तो आप लोग भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं इसको ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोग को जो पसंद हो वो लगाइएगा गाइस, इससे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस इसके बाद यहाँ पर भी लगा देते हैं थोड़ा सा ये, हाँ गाइस ये हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर वाटर फिल करना है हम लोगों को, तो वाटर मेरे पास है कि नहीं देख लेते हैं गाइस एक बार। पहले वाटर हम लोग को लाना है, तो गाइस वाटर लेकर आते हैं अभी हम लोग। 2 मिनट दीजिए आप लोग। अभी मैं वाटर लेकर आ चुका हूँ, और यहाँ पर हम लोग को वाटर लगा देना है। और सामने से आप सभी को ग्लास लगाना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस सामने से अगर ग्लास नहीं लगाएंगे तो ये पिस्टन ये सारे शुगर केन को बाहर फेंक देगा, और पूरा इतना ज़्यादा फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगा गाइस। ये वर्क करेगा लेकिन पूरा जो शुगर केन रहेगा वो बाहर चला जाएगा, ये चेस्ट में फिर जाएगा नहीं आप सभी के। तो कुछ इस तरह के वाटर लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग को ब्लॉक लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे पास अभी कम पड़े हैं, तो और भी हम लोग को लाने की ज़रूरत पड़ेगी। को बहुत मेहनत लग रही है गाइस इसको बनाने में, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा गाइस। चलिए इसको फिर अभी हम लोग को पूरा ले जाना है यहाँ तक, तो इसको लगा देते हैं अभी यहाँ से। पहले नहीं हटते हैं हम लोग, चलिए गाइस ये हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा पिस्टन गाइस, जी इस तरह नीचे लगा है, तो पिस्टन यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। और इसके बाद आप सभी को तो पता ही होगा क्या करना रहता है, जैसा फिर नीचे हुआ है वैसा ही करना है। अभी यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं, और ये वाला नहीं रहेगा यहाँ पर, तो छोड़ना रहेगा। चलिए गाइस अभी इधर साइड हम लोग को यहाँ पर ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ब्लॉक लगाएंगे तो इसके ऊपर हम लोग का रेडस्टोन रहेगा, यहाँ से चढ़ना रहेगा हम लोग को भी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता रहेगा गाइस, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा गाइस, ऊपर जाने में एक डर रहता है कि गिर ना जाए थोड़ा कहीं हम लोग। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको भी लगा देते हैं गाइस, इसको एक करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सभी को लास्ट में मिलूँगा। फिर ये आप सभी को बता दे रहा हूँ कैसे किया जाता है, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत प्रो है। तो यहाँ पर अभी हम लोग को लगाना रहेगा कुछ, जैसे नीचे हम लोगों ने ऑब्ज़र्वर लगाया तो उसी तरह ऊपर भी ऑब्ज़र्वर हम लोग को लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को रेडस्टोन लगाना रहेगा गाइस, और रेडस्टोन लगाने से पहले ये थोड़े से ये सब जो हैं यहाँ पर शुगर केन लगा देते हैं। शुगर केन जल्दी जल्दी से लगाना है हम लोग को, और ये बिल्कुल सही से लगा है। और यहाँ पर हम लोग चढ़ जाते हैं ऊपर जल्दी से। चलिए गाइस इसके बाद अभी यहाँ पर हम लोग को लगाना है पीछे रेडस्टोन। तो गाइस अगर आप सभी ने मेरी डुओ सर्वाइवल सीरीज देखी होगी तो उसमें भी हम लोगों ने शुगर केन फार्म बनाया था, तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हाइट इसके ऊपर है, क्योंकि गाइस वहाँ पर आप सभी को पता ही था वो बिल्कुल फ्लैट वर्क था, तो जल्दी से ईजिली बन चुका था। और ये वाला वर्क अच्छे से कर रहा है, तो आप लोग 2 मिनट दीजिए गाइस, इसकी हम लोग को 4 लेयर बनानी है, और 4 लेयर हम लोग इसकी कंप्लीट करके मिलते हैं। और पूरे में गाइस इसको ग्लास से कवर भी करना है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करके अभी मिलते हैं। तो गाइस इसकी फर्स्ट लेयर कुछ इस तरह कंप्लीट हो चुकी है, और देखने में कुछ इस तरह के लग रही है, और जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर हम लोग को इसी तरह 4 की 4 रो लेयर बनानी है, तो गाइस आप लोग 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में हम लोग 4 की 4 रो लेयर बना लेंगे, बिल्कुल इसी तरह करना है, तो करके मिलते हैं आप सभी से 2 मिनट में। तो गाइस तीनों साइड कुछ इस तरह की लग रही हैं, अभी हम लोगों ने बनाया है, और चौथी साइड हम लोग यहाँ पर बना दे रहे हैं कि इसी तरह रहेगी चौथी साइड भी हम लोग की। थोड़ा यहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं इसका भी,
और नीचे से कुछ इस तरह का लग रहा है, पूरा हॉपर ऊपर देख रहे हैं कैसे कनेक्ट उनेक्ट किया है। तो आप लोग भी जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, या तो आप लोग बिना कनेक्ट किए ही बना सकते हैं दूसरे अलग अलग चेस्ट में। तो मैं ऐसे ही बिल्कुल कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और आप लोग 2 मिनट लीजिए, इसको भी हम लोग कम्प्लीट करके मिलते हैं। सो फाइनली गाइज, अभी हम लोग का ये कम्प्लीट हो चुका है, और देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है गाइज। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड है गाइज, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नीचे इधर से गेट बना दिया है, और गेट हम लोग थोड़ा सा सोच रहे चेंज करने के लिए, और इधर से कुछ ऐसा लग रहा है। और गाइज अभी इधर से पीछे से आप सभी दिखा देते हैं, पीछे से आप लोगों ने नहीं देखा था, और पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है गाइज। ऊपर थोड़ा सा करना है, वहाँ पर ग्लास लगा दिया है, तो उसको भी हम लोग कर देंगे। और एक बार अंदर से आप सभी को भी दिखा देता हूँ मैं कैसे लग रहा है। चार साइड से आप सभी को दिखा दिया है कैसा लग रहा है हम लोग का फार्म। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं गाइज, बिल्कुल ईजी था ये वाला करना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग को मैंने बस इसको क्या किया है कि चारों को इकट्ठा जोड़ दिया है बस, इसीलिए आप सभी को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट है नहीं ये। हम लोगों ने बिल्कुल इजीली बना लिया है इसको, और आप लोग भी बना सकते हैं। और चलिए अभी आप सभी को ऊपर दिखाते हैं, और ये सब पूरा बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग, एक बढ़िया से फैक्ट्री जैसे होती है उस तरह लग रहा है, और यहाँ से आप लोग आकर पूरा देख सकते हैं गाइज। ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, और गाइज यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, तो इसको हम लोग सही कर देंगे। और अभी गाइज आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लग रहा है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा अगली वीडियो आप सभी को कौन सी चाहिए, हम लोग जरूर से लेकर आएंगे। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने मत रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।